देश भर में चल रही कोविड-19 वेव और बार बार लगते लॉकडाउन के बीच डाइकिन इंडिया चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सबसे पसंदीदा एसी ब्रांड के रूप में उभरा है। जीवन शैली में बदलाव के साथ रहने की स्वच्छ और उपयोगी जगह की आवश्यकता बढ़ गई है। घर से काम करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है, जो कूलिंग, वेंटिलेशन और वायु शोधन जैसी प्राथमिकताओं को प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करने के अलावा तकनीकी रूप से दैनिक आवश्यकताओं को सपोर्ट करती है। आइए जानते हैं डाइकिन इंडिया के रीजनल बिजनेस हेड संदीप रेखी ने बातचीत करते हुए क्या बताया। कुछ ना कुछ एसी से सारे एसी के नाम नहीं लेंगे, कंपटीशन जो आपकी कहते हैं कि हम इसलिए जाने जाते हैं कोई कॉपर बॉडी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, आप डाइकिन को कैसे अलग मानते हैं? हम डाइकिन को ऐसे अलग मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमने आज से 4 साल पहले R32 एक गैस है, जो पहले R22 गैस यूज़ होती थी, हम सबसे ज़्यादा जिसको GDP बोलते हैं, ग्लोबल जो कार्बन पोटेंशियल है वो सबसे कम है R32 गैस का। इसकी जो एफिशिएंसी है R32 गैस की सारी गैसेस से बेटर है, और जो रेफ्रिजरेंट एक यूज़ होता है हमारे एयर कंडीशनर में उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम है। R410 जो गैस है वो 2-component गैस है, R32 single-component गैस है। अगर कोई सपोज लीकेजेस होती हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी से टॉप अप कर सकते हैं, तो सिंगल कॉम्पोनेंट अदरवाइज जैसे 410 है या 410 है, आपको पूरा रेफ्रिजरेंट पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दोनों कॉम्बिनेशन कौन से हैं दो गैसेस के। तो इसलिए ये गैस बहुत प्रचलित हुई, जिसमें हमारे पास राइट्स हैं, बट वो हमने राइट्स कुछ सालों से सबको दे दिए हैं, तो जितना कॉम्पिटिशन यूज़ करेगा उतनी ये गैस जो है गैस भी तो डिफरेंट है, लेकिन कॉपर बॉडी पे किस? हाँ जी, जो बहुत सारी कंपनीज एल्युमिनियम बॉडी यूज़ करती हैं या जो हमारी हैं, हमारा जो अभी एसी आता है वो पूरा फुली कॉपर ही है, हमने उसमें एल्युमिनियम नहीं यूज़ किया है। तो हम एक्चुअली उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं कि सपोज़ इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर जो एल्युमिनियम बॉडी कभी ख़राब हो जाए तो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, बट कॉपर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिर्फ कॉपर ही यूज़ करते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होती है प्राइसिंग को लेकर, जब हम एसी लेने जाते हैं तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद प्राइसिंग। जी जी, प्राइसिंग मैंने पहले एक आपके फेलो जर्नलिस्ट थे तो मैंने उनको ये भी बताया कि जो आज से 6-7 साल पहले एक 1.5 टन का एसी 60,000 में हम बेचते थे, बहुत मतलब जो भी एडवांसमेंट के साथ, आज वो आपको 50% में मिल जाता है। वही आज एसी 1.5 टन का जो कंपटीशन का है वो भी 30-31 हज़ार में मिल जाता है, वही प्राइसिंग हमारी 32,000 में होगा, 500 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा। तो हमने जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन मार्केट के हिसाब से ही रखा है। हाँ जी हाँ जी, नहीं डिप्राइड फैमिली से हैं, जो निमराना जहाँ पे राजस्थान में है उसके आसपास ही बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे जो लड़की मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कॉन्सेप्ट हम लेके आए, और ये हाईली कई तो हाईली डिप्राइव्ड है, और जो फर्स्ट बैच वो जो आया था लड़कियों का वो 2019 में आया, और कंटिन्यूसली हम ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने अभी उसकी बात नहीं की जो हम सेल्स में या उनकी नहीं बात है, वो तो हमारे हैं ही हैं मैन्युफैक्चरिंग में। फर्स्ट अब ये थर्ड बैच ऑलमोस्ट आ चुका है